हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिन खोज, और मैं हूँ इशिता। कैसे हैं आप सब गाइस? अब मैंने पूछा हाउ आर यू, बट जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए कि आप कैसे हैं, और वो भी इंग्लिश में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए गाइस कि कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है आपको कि किसी ने कुछ अचीव किया हो, आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, या रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हों, या कोई पास कर गया हो कुछ बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मन कर रहा है उनको, बट वर्ड्स नहीं मिल रहे कि इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करें। आज मैं आपको हाउ टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस यही सिखाऊंगी, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। साथ ही में इस वीडियो के एंड में आपके लिए ट्रिविया भी है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन। सो मान लीजिए आपके फ्रेंड कोई बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन पास कर गए हैं और आपको बहुत खुशी है। आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे उनके इस पोस्ट पे कमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके दोस्त की जॉब लग गई है गाइज, तो हम कमेंट कैसे करेंगे या उनको सामने सामने बोलेंगे कैसे? वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। आपको आपकी अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयां। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर। नाउ इमेजिन जॉब लग गई है, तो जॉब के बाद अब वर्क लाइफ में थोड़ा सर्वाइव भी तो करना है, तो आप उनको ये कमेंट जरूर करिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर। यहाँ नेक्स्ट एडवेंचर कहने का मतलब है कि अब आगे की जो एडवेंचर या आगे की जो लाइफ है उसके लिए बेस्ट विशेस। हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिजर्व्ड सक्सेस, यानी बहुत मेहनत किया आपके दोस्त ने तो वो डिजर्व करते हैं इस सक्सेस को, तो आप ये सेंटेंस कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिजर्व्ड सक्सेस, आप इस सक्सेस को डिजर्व करते थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्रावो। सो ब्रावो हम यूज करते हैं, ये टर्म है किसी ने बहुत ब्रेव वाला काम किया हो, बहुत ही अच्छा काम किया हो, सो आप ब्रावो कह सकते हैं। सिंपल ब्रावो बोलना भी सही है, बट यू कैन एड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा अचीव हुआ। This calls for celebrating. Congratulations. अब imagine कि आपके दोस्त medals लेके आए हैं बहुत सारे, so उन medals के लिए आप party तो लेंगे ही, और party तो बनती है guys. This calls for celebrating. Congratulations. थोड़ा फील के साथ कहिए, सेलिब्रेटिंग मींस अब आप पार्टी चाहते हैं उनसे कि वो पार्टी दें, तो चलो दोस्त सेलिब्रेट करते हैं। और आप अगर बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं किसी के अचीवमेंट के लिए, आपके छोटे भाई बहन बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो वहां आप कह सकते हैं सो प्लीज्ड टू सी यू अकम्प्लिशिंग ग्रेट थिंग्स। आप इतनी महान चीजें कर रहे हैं, महान चीजें आपको मिल रही हैं, या आप सक्सेस ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर। तो गाइज, ये थे तरीके जो आप यूज कर सकते हैं किसी को किसी अचीवमेंट के लिए, नई जॉब के लिए, या फिर कुछ भी उन्होंने अच्छा अचीव किया हो, अच्छे रिजल्ट लेकर आए हो, तो आप ये कमेंट यूज कर सकते हैं उनको कहने के लिए भी, और रिटन वे में भी। आज की टिप में है गाइज, अगर किसी ने अच्छा काम किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है, बट उनके काम के लिए उनको अप्रिशिएट करना भी तो जरूरी है, तो आइए देखते हैं कि अप्रिशिएट कैसे करेंगे। दैट्स बेटर देन एवर, ये सबसे अच्छा है। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर रियली ग्रोइंग अप इनटू अ जेंटलमैन, या फिर यू आर रियली ग्रोइंग अप इनटू अ लेडी। नाउ लेडी और जेंटलमैन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी लगता है, सुन के लगता है कि बहुत ही अच्छा, कोई पढ़ा लिखा और बहुत ही महान व्यक्ति होगा, इसलिए हम ये लेडी और जेंटलमैन का यूज कर रहे हैं। तो हम उन्हें कह रहे हैं कि तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, वैसे वैसे एक अच्छे इंसान बन रहे हो। And then you can always say you deserve it. तुम्हें ये मिलना चाहिए था और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। So guys, इन सारे sentences का आप use कर सकते हैं अब किसी ने कुछ achieve किया हो या बहुत अच्छा काम किया हो तो। Thank you so much for watching the video guys. I hope you liked it. Do like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Till then, take care and happy learning.